राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने बैजनाथ सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस तथा भाजपा दो पार्टियों का ध्रुवीकरण है, परंतु इस बार स्वाभिमान पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में दस्तक देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है। उन्होंने कहा कि अब तक पार्टी का 20 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान का कार्य चल रहा है। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार चयन के मापदंड बड़े कठोर हैं, इस कारण जो व्यक्ति इन मापदंडों पर खरा उतरेगा वही उनका उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो अंग्रेजों से उधार ली गई है, स्वाभिमान पार्टी इस व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इस देश को अमेरिका या चीन बनाना चाहती हैं, परंतु हम भारत को भारत के मूल विचार के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाभिमान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9-10 सितंबर को लक्ष्मीनगर नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया। और ध्रुवीकृत राज्यों में तो और भी नहीं है, हमारा हिमाचल प्रदेश भी ध्रुवीकृत राज्य है। देश के अधिकांश राज्य ध्रुवीकृत हैं, जिसमें दो दल के बीच में सारे मतदाता समूह बढ़ जाते हैं। नई धारा शुरू करना चाहते हैं, जो देश की राजनीति विचार शून्य हो गई है, सिद्धांत विहीन हो गई है, मुद्दों और मूल्यों की पटरी से हट गई है, उसको मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर लाना कारों के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए अमेरिका एक मॉडल या प्रादर्श हो गया है, अमेरिका की तरह विकसित बनाना चाहते हैं। अब थोड़ा चीन की भी बातचीत चलने लगी है, चीन भी थोड़ा शक्तिशाली होने लगा है, तो फिर चीन का भी एक रास्ता लोगों को लगता है कि हमको चीन जैसा भी बनना है, भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी राजनीति विदेश परस्त राजनीति न होकर के भारत परस्त राजनीति है, स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास की तरफ जाएंगे। इसलिए हमको विकास को नापने का पैमाना जीडीपी नहीं होगा, बल्कि हमारा विकास का नापने का पैमाना ये होगा कि हमारे वातावरण की वायु शुद्ध हुई कि नहीं हुई, धरती के पेट में जो पानी है उस पानी में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम ये भी देखेंगे कि धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कोई विकास नहीं तो फिर यही होगा, एक तरफ आप कारखाना बनाने के लिए जमीन मुफ्त में देंगे या कम दाम में देंगे, उनको कारखाना लगाने के कम दाम में कर्जा, कम दरों पर कर्जा देंगे, और जब कारखाना उत्पादन कर लेगा तो उसको कम कर्ज दे करके बेचने की व्यवस्था करेंगे, तब हवा में जब जहर फैलेगा तब फिर आप आड और इवन लेकर आएंगे माध्यम से तब हवा में जब जहर फैलेगा तब फिर आप आड और इवन लेकर आएंगे माध्यम से जनता के बीच में जाने वाले हैं।